हियर इज द न्यू गाड़ी ऑफ फ्रॉम यूट्यूब मनी भाई, यूट्यूब का पैसा ही पैसा। हमारे साथ मिल चुका देखिए एनम भाई, तो यही करवाएगा भाई सारा काम, ये अपना कॉलेज फ्रेंड है। और हेलो जी, हम फिर से आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ, हियर इज द न्यू कार ऑफ पीयूष भाई। कांग्रेचुलेशन भाई, भगवान करे भाई अगले साल ना न्यू गाड़ी आए इससे भी बड़ी भाई। तो पीयूष भाई ने नई गाड़ी ली है, विटारा ब्लेजर ना भाई। तो और ये ना हाइब्रिड है, टॉप मॉडल है विद सनरूफ, देखिए अपना सनरूफ। निकलेंगे हम लोग यहाँ से बाहर भी, तो अभी हम लोग निकल चुके मनाली से, अभी जा रहे हैं कुल्लू की तरफ, थोड़ा गाड़ी का सामान रहा है लगाने के लिए, और मिलना है बहुत से दोस्तों से, अपने साहिल से, रजत से। तो चलिए सीधे निकलते हैं और बताते बहुत सी चीजें, और भाई साहब बताना क्या ज्यादा, सिनेमैटिक चेक कीजिए आप सीधे। भाई एकदम से मक्खन गाड़ी है पीयूष भाई, एकदम मक्खन गाड़ी ली है आपने, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ना इतना ज्यादा है अपने मनाली के रोड के हिसाब से ना भाई, ऑसम गाड़ी है। तो ये देखिए भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल एज पे, देखिए इतना बड़ा ट्रक आ रहा है और बिल्कुल हाइटेड गाड़ी। अभी तक ना हम लोग पीयूष भाई के बरना में बैठते थे, वो थोड़ी सेडान गाड़ी है तो बिल्कुल फ्लैट में है, तो उसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और इसका तो भाई ऑसम मक्खन वाला देखिए। अभी हम लोग बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं, तो देखिए अभी हम लोग पहुंचे सब्जी मंडी के पास, ये है मनाली की सब्जी मंडी, और यहाँ पे सभी फ्रूट्स अभी बेचे जाते लिए जाते हैं, नीचे से जितने भी आरती आते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं उनको, कमीशन एजेंट, वो सारे यहाँ से बिकवाते हैं, और यहाँ से सीधा दिल्ली मुंबई जो भी पूरे ऑल इंडिया ले जाते हैं, और सारी सप्लाई होती है जो भी अपने मनाली के, पूरे हिमाचल काफी जगहों से आती है, यहाँ पे काफी बड़ी सब्जी मंडी है। और भाई गाड़ी तो भाई क्या ही बताए, और सामने आने वाला है अपना रिवर राफ्टिंग पॉइंट, जो कि मनाली का ना टॉप का रिवर राफ्टिंग पॉइंट है बवेली। अभी दिखाता हूँ आपको भाई, इतनी भीड़ लगी रहती है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। यहाँ से देखिए ये पूरी लाइनिंग है ना, ये लास्ट तक अपने पूरी रिवर राफ्टिंग वाली लाइन है, और यहाँ पे सारे बैठे रहते हैं जितने भी एजेंट्स हैं, और जो भी अपने टूरिस्ट वगैरह आते हैं कहीं से भी आते हैं, सारे यहाँ पे पर्चियाँ करती है, अपने पैसे देते हैं, और सीधे नीचे नदी भी बिल्कुल यहीं पे साइड में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब कि ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे, ये वो सीधे यहाँ से राफ्टिंग चक्की और सीधे नीचे नदी के वहाँ। और यहाँ पे ना दिन भर हजारों गाड़ियां थे, हजारों के, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, और यहीं से स्टार्टिंग होती है, और सीधे नीचे जाके यहाँ से जितना आपने लॉन्ग माना शॉर्ट माना अपना डिपेंड करता है, आप 3 किलोमीटर मारो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी लंबी राइड मारनी है। तो यहाँ से देखिए ये साथ में यहीं पर नदी है नीचे, अभी अच्छे से दिख नहीं रही, ये देखिए, और यहीं से होते हुए सीधे नीचे लास्ट तक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वैष्णो माता टेम्पल, जय वैष्णो माता की। देखिए अभी हम लोग ना कुल्लू पहुंचने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने रजत भाई को उठाएंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे हम लोग गाड़ी के शोरूम, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी सामान लगाना है, तो पहले कंपनी में था नहीं सामान जब नई गाड़ी निकाली अपने पीयूष भाई ने, तो अभी चलते हैं सीधे रजत को उठाते, उसके बाद सीधे मिलते हैं शोरूम में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए ये रहा शोरूम, तो सबसे पहले जाते हैं भाई, बोल रहे कुछ साइन वाइन करने यहाँ पे, उसके बाद गाड़ी अंदर ले जाएंगे और अपना एक्सेसरी का काम जो भी है फटाफट से फिनिश करेंगे। तो हियर इज द एनम भाई, तो हमारे साथ मिल चुका देखिए एनम भाई, तो यही करवाएगा भाई सारा काम, ये अपना कॉलेज फ्रेंड है, और क्या है, बहुत बचपन वाला चड्डी वड्डी वाला दोस्त है। तो ये रही अपनी गाड़ी, और सीधे अंदर डालेंगे भाई, कहाँ पे ले जानी है, और सुनाओ कैसे हो आप भाई, नजर नहीं आते हमें भाई, भाई ने ना शादी कर ली, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले, तो भाई ने ना शादी की और हमें बुलाया भी नहीं भाई, बुलाएंगे अभी पार्टी कराएंगे ना, तो अच्छा पीछे चलो 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 भाई चलो भाई। अभी तक मनाली में थे ना, इतनी ठंड लग रही थी टी शर्ट में, और यहाँ पहुँच के ना भाई ऐसे पसीने उतर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम के पास,
और हियर इज द न्यू गाड़ी ऑफ फ्रॉम यूट्यूब मनी भाई, यूट्यूब का पैसा ही पैसा। गाड़ी का काम होना स्टार्ट हो चुका है, सारा सामान निकाल दिया है। तो जब तक गाड़ी का काम होता है हम लोग अंदर जाके बैठते हैं, क्योंकि बाप भाई साहब इतनी गर्मी है ना, क्या ही बताए। तो चलिए अंदर पानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बैठते हैं। उसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है तो वापस चलते हैं, अपने साहिल भाई को उठाते हैं। रजत भाई तो आया नहीं, उसको आजकल रनिंग करनी है, पता नहीं क्या बुखार चढ़ा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। भाई ना हमें कॉफ़ी पिला रहे हैं भाई, इस कॉफ़ी के पैसे तो नहीं लोगे? 60 रुपए दे दिए, 60 रुपए दे दिए भाई, पता नहीं फ्री में दे रहे या पैसे ले रहे, लगेगा पता लास्ट में क्या। वो फाइनली काम हो चुका है, ये देखिए, ये डोर वाइज, ये डोर वाइजर ना भाई, क्या बोलते हैं इसे, ये डोर वाइजर है, और इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये मोल्डिंग। तो सारा काम हो चुका है, तो हियर इज द भाई, इन्होंने काम किया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपका। तो फाइनली काम हो चुका है सारा, बस अभी निकलेंगे हम लोग, जाएंगे सीधे यहाँ से, साहिल को उठाएंगे और उसके बाद रजत भाई के पास जाएंगे। तो ठीक है ना भाई, मिलते हैं। भाई इस चीज़ का गिला शिकवा है कि आपने शादी में नहीं बुलाया, पर कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपके लिए। साहिल भाई ने ना पता नहीं यार कहाँ डाल दिया है बीच से ना, हम लोग देखे कहाँ गली गली से जा रहे भाई, कंजेस्टेड रोड और भाई आप बोलते हैं उसको आ जाओ, इतना बड़ा हाईवे दिया, बट साहिल ना अपनी जिद काम आता है, आया भी नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक लग गया ना कसम से भाई, ऐसे ही गाली सुनेंगे ना यहाँ पे भाई, हद है। ओ साहिल अब देखो, अब हीरो की तरह आएगा भाई, ऐसे हिलते हिलते जिम पहले ऐसे बैग उठा के आ रहे, पता नहीं कहाँ, हम लोग तो गोवा ट्रिप को जा रहे हैं जैसे कि वो देखिए। साहिल भाई कैसे हो मेरे भाई? भाई तुसी कहाँ से आए हैं? गोवा ट्रिप कैसे, गोवा ट्रिप जा रहे हो आप बताओ पहले, गोवा ट्रिप जा रहे हो? आपने तो बोला वहां से आओ, कितनी देर कहाँ थे भाई? वो गाड़ी का थोड़ा काम कर रहे थे, गाड़ी नहीं हटा रहे थे लोग। रजत भाई के पास वापिस कुल्लू, सॉरी वापिस कुल्लू नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा काम रह गया और गाड़ी का, तो हम लोग जा रहे स्पीकर डलवाएंगे, फिर देखेंगे सारा सामान, उसके बाद जाएंगे हम लोग रजत भाई को उठाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे सारा सीन। तो चलिए निकलते हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपना कुल्लू का एयरपोर्ट है ना मुंतर, वहीं पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे आगे की तरफ अपने कुल्लू का हवाई अड्डा, तो ये चेकआउट कीजिए नीचे, और हम लोग जा रहे हैं अभी सीधे एक्सेसरी लगाने आगे शॉप। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सेसरी शॉप, तो देखिए अभी JBL के स्पीकर देख रहे हैं गाड़ी के लिए, और इसके लिए ना हॉर्न भी देखना है कंपनी फिटेड, तो भाई क्या ही बताए, वाह वाह। अच्छा चार पैंट्स हो गए, तो अभी देख रहे हैं स्पीकर्स और हॉर्न देखेंगे इसमें जो ज्यादा बेस्ट होगा, बस भाई लगाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। पता देखना तो कैसा है, ये सही है। एक चीज दिखाता हूँ आपको, तो ये चेकआउट कीजिए, ये रहा आपने कुल्लू का एयरपोर्ट भाई साहब। ये ना मुंह के सामने ऐसे था पिछली तरफ, तो मैं हल्के से ऐसे को सामने आया, भाई साहब मुझे क्या दिखा, एयरपोर्ट भाई कुल्लू का, भाई क्या ऑसम लग रहा है। सामने देखिए पहाड़, और यहीं से फ्लाई होता है दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए, भाई भाई क्या ऑसम व्यू है अभी का, क्योंकि सूर्य भगवान जी अपने टॉप पे पहुंच चुके, और भाई साहब भाई देखिए यहाँ पे हेलमेट चेक करे ना, हमें बोल रहे चेक करने को। साहिल भाई आप कर लो, आपके बाल भी बैठे हुए भाई, नहीं कुछ नहीं लगाया, कौन से बड़े खड़े हैं? नहीं, नहीं, तो भाई हमने बैग्स लगाया ना, आपने कुछ नहीं लगाया भाई, परे भाग रहे। नहीं नहीं ऐसे लगा के देखना कैसे लग रहे, लगाओ लगाओ कुछ नहीं होता छोटे नहीं भाई, साहिल को दे दो, कहाँ गया वो। हेलो जी, तो हम अपना काम फाइनली हो चुका है, पूरा गाड़ी का जितना भी काम था ना सारा काम खत्म हो चुका है, तो अभी फाइनली निकल रहे सीधे रजत भाई को उठाएंगे और देखेंगे कि आगे का सीन क्या बनता है। हियर इज द अपना रजत भाई और ध्रुव भाई, कैसे हो भाई? खिड़की करो ओ भाई, नमस्ते करो भाई, इतनी इज्जत, ठीक है ठीक, कहाँ थे भाई आप, नजर ही नहीं आए अभी तक। तो देखिए अपने निकल रहे साहिल भाई और रजत भाई, सारे निकल रहे क्योंकि हमें घर में काम भी है, तो चलिए हम भी निकलते हैं सीधे और मिलते हैं घर पे। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ, अपने पीयूष भाई भी होटल की तरफ निकल चुका है, क्योंकि सीजन लगा हुआ है, बहुत काम होता है होटल में, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा लगता है मनाली में, क्या ही बोले। और अपने रजत भाई, अपने ध्रुव भाई और अपने साहिल भाई भी जा चुके हैं घर को, और फाइनली मैं भी घर पहुंच चुका हूँ। तो एक बार फिर से पीयूष भाई आप ब्लॉग देख रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू गाड़ी के लिए भाई, गाड़ी ना औसम एकदम मक्खन की तरह चलती है। तो फिलहाल ना अपने जो लेह लद्दाख राइड है, बस एक दिन रह गया है, एक दिन लास्ट डे, और हम लोग कल सुबह टाइमिंग बताएंगे आपको कल के ब्लॉग में कितने बजे निकलते हैं,
भाई ले लद्दाख ट्रिप इज ऑन होने वाली है, बस ओनली जस्ट वन डे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अभी रेस्ट करते मस्त मस्त वाला। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बी सेफ।